हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप भी सीखना चाहते हैं ऐसी फ़ोटो एडिट करना? तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल में और देखते रहिए वीडियो। हमारी वीडियो को पूरा देखना ना भूले और सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि और नोटिफिकेशन दबा ले ताकि आपके पास जब भी वीडियो आए नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। तो ऐसी फ़ोटो एडिट, ये रही नॉर्मल पिक और ये ऐसी पिक है, तो इस फोटो को बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड लगाना होगा जो हम लगा के दिखाएंगे आपको। बैक जाना है, बैक जाने के बाद PSCC ऐप में जाना है। PSCC ऐप में जाना, नीचे प्लस का आइकॉन, प्लस फोटो लाइब्रेरी, फोटो लाइब्रेरी के बाद जहाँ हमारी पिक है वहाँ हमें पिक चूज कर लेनी है। ये पिक चूज कर ली। पिक चूज़ करने के बाद नॉर्मली ये रहेगा। नॉर्मली रहने के बाद सेकंड पे जाके ये रख लेना है। ये रखने के बाद कीप एंड रिमूव, तो रिमूव पे पहले दबा के यहाँ पे, फिर कीप पे दबा के, फिर सेट पे दबाना है। ऐसे ही आपको करना है ताकि अच्छे से बैकग्राउंड कट जाए। देखो गाइस, तो हमारा बैकग्राउंड कट रहा है और अब इसको और भी अच्छे से सॉल्व करेंगे। साइज बढ़ानी है और ऐसे माइनस में करना, नीचे करना, माइनस में करना है। यहाँ तक कर लेना है हमारे इसको। सारी ऐसे आउटलाइन नहीं जाना चाहिए बिल्कुल ही, ताकि आपकी एडिट बहुत अच्छी होगी। साइज छोटी करनी है। साइज छोटी करने के बाद आराम से कर लेना बिल्कुल धीरे धीरे ताकि बैकग्राउंड कट जाए अच्छे से। बहुत ही इंटरेस्ट वीडियो होने वाला है ये। लास्ट में देखना कितनी ब्यूटीफुल फोटो एडिट होगी। यहाँ पे करके प्लस यहाँ पे कर देना है। थोड़ा सा रह गया है जिसको थोड़ा कट कर लेते हैं। कट करने के बाद यहाँ तक कट करके इसको रिमूव कर देना है। डबल बार पहनना है, जो इससे क्या है रिमूव हो जाएगा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद मतलब अपने हिसाब से कर लेना, साइज छोटी बड़ी जो भी आपको अच्छा लगे। पर हाँ, अगर फोटो एडिट सीख रहे हो तो ध्यान से सीखो ताकि फ़ोटो एडिट अच्छी हो, बाद में कोई शिकायत ना दे आपको। डन के आगे को रूल का चिन्ह है, उस पर क्लिक करना है। फेदर पे जाना है। फेदर पे जाने के बाद 1px कर लेना है। सही के चिन्ह पे, राइट के चिन्ह पे क्लिक कर देना है। फिर वापस वहीं क्लिक करना है एंड रिफाइन एडजेस्ट पे जाना है और क्लियर पे जाना है। क्लियर पे जाके ऐड पे जाना है। वापस ऐड पे जाके जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ कर लेना है और सही पे दबा देना है। सही पे दबाने के बाद वहीं जाना है, एक्सट्रैक्ट कर देना है ताकि बैकग्राउंड कट जाएगा। बैकग्राउंड कट जाने के बाद प्लस के आइकॉन के और आइकॉन पे दबाने के बाद फोटो लाइब्रेरी के बाद यहाँ से हम बैकग्राउंड चूज़ कर लेते हैं। हमारा बैकग्राउंड कहाँ गया? पिंस में बैकग्राउंड ये वाला यूज़ करके यहाँ तक कर लेना है और प्लस के आइकॉन पे दबा के इसको डाउन में करना है। दबा के
ये देखो बैकग्राउंड डाउन में दबा के अब इसको डन कर लेना है। डन करने के बाद यहाँ से शेयर कर देना है, ऑटोडेस्क में ले जाना है। ऑटोडेस्क में ले जाने के बाद हेयर को सही करना है। पहले हेयर को सही करेंगे, स्पीड देख लो और अब सेटिंग देख लो, सही कर लेना सेटिंग को। राउंड राउंड करना है बालों को ताकि अच्छे बाल हो। बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल सा वीडियो होने वाला है भाई हमारा। तो ऐसे हर वीडियो में ऐसे ही सेटिंग रखनी है और ऐसे ही फोटो पे अगर हेयर सही करना चाहते हो तो ऐसे किया करो ताकि अच्छे से हो जाए। ये लो गाइस हेयर सही हो गए एंड स्किन स्मूथ करते हैं। ऊपर दबाना है लाइब्रेरी पे जाने के बाद फर्स्ट ब्रश को यूज लेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, डाउन करने के बाद फर्स्ट ब्रश और इसकी सेटिंग देख लेनी है। साइज अपने हिसाब से कर ही लेना है आपको, तो मैं तो यही साइज रखूँगा 10.8। वीडियो को थोड़ा स्पीड से कर देता हूँ ताकि बड़ा ना हो वीडियो। स्किन स्मूथ हो रही है बहुत अच्छी तरह से। और हाँ अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को शेयर जरूर कर दें और पूरा देखना ना भूले वीडियो को। इसमें कुछ सीख रहे हो आप, सीखोगे जब भी तो करोगे ना कुछ लाइफ में आगे। मैंने भी पहले सीखा ही था फिर किया था, बट मैंने किसी का सहारा नहीं लिया, यूट्यूब वगैरह किसी से। 2 साल तक किसी में ऐपों में यूज़ कर करके परेशान हो गया था, फिर आखिर में सीख ही गया मैं। आप भी सीखोगे टाइम दो। और हाँ मैं कहता हूँ कि इतना भी टाइम ना दो कि आंखें खराब हो जाए। टाइम देने का मतलब घंटे दो घंटे दे लो दिन में। ये देखो हाथ पे भी, तो इस तरीके से टूल्स को यूज करना है। और यहाँ से फोटो सेव कर लेनी है करंट स्केच से।